नगर निगम धर्मशाला के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने विपक्ष में रहने के बावजूद अपना कब्जा जमा लिया है। देवेंद्र जग्गी को मेयर और ओमकार नेहरिया डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के पुर्थी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। मेयर को लेकर सर्वसहमति बन गई, जबकि डिप्टी मेयर के लिए करवाया गया। डिप्टी मेयर के लिए चुनाव में ओमकार नेहरिया और स्वर्णा मैदान में थे, जिसमें ओमकार नेहरिया ने 9 मतों के साथ डिप्टी मेयर पद अपने नाम किया, जबकि स्वर्णा को 6 मतों में से ही संतोष करना पड़ा। डिप्टी मेयर पद के लिए हुए चुनाव में 15 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जबकि भाजपा समर्थित 2 पार्षद डिप्टी मेयर पद के चुनाव से क्विट कर गए। भले ही भाजपा समर्थित पार्षदों ने डिप्टी मेयर चुनाव से क्विट कर लिया हो, इसके बावजूद ओमकार नेहरिया भाजपा समर्थित होने के बावजूद कांग्रेस समर्थित पार्षदों के सहयोग से डिप्टी मेयर पद पर काबिज हो गए हैं। गौरतलब है कि नगर निगम धर्मशाला के कुल 17 वार्ड हैं, जिनमें से 14 में से कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, जबकि भाजपा समर्थित पार्षदों की संख्या 3 ही है। इनमें से भी ओमकार नेहरिया ने जहां डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा, वहीं 2 अन्य भाजपा समर्थित पार्षदों ने चुनाव से क्विट करके मतदान में हिस्सा नहीं लिया। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने नवनिर्वाचित मेयर देवेंद्र जग्गी और डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया को बधाई दी। नवनिर्वाचित मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि पहले बतौर डिप्टी मेयर भी उन्हें सभी पार्षदों का सहयोग मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। पहले भी सभी साथ चले थे और अब भी साथ ही चलेंगे। जो भी नगर निगम में लंबित कार्य हैं, उन्हें गति प्रदान की जाएगी। शहर में स्वच्छता और सीवरेज कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। नगर निगम कार्यालय का कार्य आगे न बढ़ पाने के सवाल पर मेयर ने कहा कि शीघ्र ही इस ओर कार्य किया जाएगा। बहुत बढ़िया रहा, पहले सभी और सदस्यों ने मिलकर काम किया है और सहयोग किया है, आगे भी सभी का सहयोग से आगे हम कॉर्पोरेशन के कार्य को समर्पित करेंगे। बतौर मेयर आपकी क्या प्राथमिकताएं अब रहने वाली हैं, किस तरह से नगर निगम को आगे ले जाएंगे आप? जो हमारे प्रोजेक्ट जो अभी तक जो पेंडिंग थे उनको हम आगे लेके जाएंगे। जैसे कि अभी श्री शर्मा जी ने कहा कि जो हमारे भवन का जो इन्होंने कॉर्पोरेट के भवन का उसको हमने शीघ्र ही उसका कार्य शुरू करेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे सैनिटेशन सीवरेज का है, हमारी धर्मशाला की सैनिटेशन का है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी आगे अपनी गति पकड़ेंगे। सर, धर्मशाला स्मार्ट सिटी जो है 17 वार्डों में ना होकर मात्र कुछ 7-8 वार्डों तक ही सिमट कर रहेगी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी तो पूरी कॉर्पोरेशन है, लेकिन इसमें 2 कॉम्पोनेंट है, एवीडी और पैन सिटी। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट जो है वो कुछ वार्डों में रखी है, लेकिन पैन सिटी पूरी कॉर्पोरेशन एरिया में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट सिटी कुछ एरिया में, स्मार्ट सिटी पूरे कॉर्पोरेशन एरिया में, लेकिन 2 कंपोनेंट है, इसलिए इसको अलग अलग देखा जा रहा है। प्रदेश में जो भाजपा सरकार का आपको पहले भी जैसे 9-10 महीने हो गए नहीं चलने दिया आपके नगर निगम को, तो अब आगे आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है। देखिए, कॉर्पोरेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम लोग जो यहाँ से हाउस जो प्रस्ताव पारित करेगा वो सरकार को करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। नगर निगम के नव निर्वाचित डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया ने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्षदों का सहयोग मिला है, जबकि भाजपा समर्थित पार्षदों को मुझे छोड़कर भाग गए। उन्होंने चुनाव में साथ दिया है, उनके सहयोग से ही आगे बढ़ा हूं, तथा नगर निगम धर्मशाला को प्रदेश की अव्वल नगर निगम बनाया जाएगा। जो भाजपा के 2 ही 3 लोग थे, आप जिसमें से 2 ने क्विट किया है, आप डिप्टी मेयर बने हैं, क्या आप कांग्रेस में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पार्षदों का और पूर्व मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जो जीता हूं तो इस विधायक जीता हूं, और जो अंदर से ग्राउंड छोड़ के भागे बीजेपी के, हालांकि मैं बीजेपी से हूं, लेकिन उठना नहीं चाहिए इसमें। हमारे बीजेपी की बहुत बेइज्जती की बात है कि जब हम फंस गए तो वो भागे हैं, तो किस उस एंगल से हम उनकी कभी मदद कर सकते हैं? लेकिन नेहरी जी, पूर्व में तो आप बीजेपी से आपकी वो रही, लेकिन आप वर्तमान में आप डिप्टी मेयर बने, तो आप क्या आप कांग्रेस समर्थित पूरी तरह से हो चुके हैं या अभी भी आप भाजपा में हैं? मेयर डिप्टी मेयर पूरी जनता के, पूरी हम जनता का काम करना है, लेकिन हमने मिलजुल के करना है। ये इसके लिए नहीं कि मैं बीजेपी छोड़ के इसमें चला, लेकिन मेरा इस टाइम अभी तक तो इनके नीचे हूं, क्योंकि इन्होंने जो मेरी मदद की है और मैं उसका आभारी हूं। भाजपा छोड़ दी? नहीं, भाजपा नहीं छोड़ी मैंने, भाजपा मुझे छोड़ के बाहर चली गई।
आपका फोन आने से अंदर से वो भाग के बाहर चले गए, मेरे को बहुत दुख हुआ है, मेरे को जीतने की खुशी नहीं है, मेरे को तो उनके बाहर जाने की बहुत किसका फोन किसी का भी आया ऊपर से पूर्व, आप कहना चाह रहे हैं कि पूर्व मंत्री किशन? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी और मैं इसके साथ साथ डिप्टी मिनिस्टर का भी धन्यवाद करता हूँ, उनका भी थोड़ा हमारे को सहयोग है। नहीं तो आपको क्या पार्टी का भाजपा का सहयोग नहीं मिला इन चुनावों में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी का फोन नहीं आया, जब से जीता हूँ तब तक नहीं आया आज तक। क्या लगता है भाजपा विफल हो गई? नहीं, उनकी सोच है, मैं तो ऐसे बोलूंगा। नगर निगम मेयर पद पर एक बार फिर से कांग्रेस समर्थित पार्षद के काबिज होने की खुशी में पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा भी शरीक हुए। वहीं सुलह के पूर्व विधायक जगजीवन पाल, जयसिंहपुर के पूर्व विधायक यादवेंद्र गोमा, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया भी मेयर देवेंद्र जग्गी व डिप्टी मेयर ओंकार नेहरिया को बधाई देने के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। नगर निगम धर्मशाला के नवनिर्वाचित मेयर देवेंद्र जग्गी व डिप्टी मेयर ओंकार भाटिया को बधाई देते हुए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोनों को ही कांग्रेस का समर्थन है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो डिप्टी मेयर चुनाव का वॉकआउट कर दिया है। सुधीर ने कहा कि नव निर्वाचित मेयर व डिप्टी मेयर के नेतृत्व में नगर निगम तरक्की की राह पर अग्रसर होगा। भाजपा के सत्ता में होने पर नगर निगम कार्यों में विघ्न पड़ने के सवाल पर सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर निगम अपने आप में सरकार है, बस प्रतिनिधियों को अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित मेयर व डिप्टी मेयर दोनों अनुभवी हैं तथा इनके अनुभवों का नगर परिषद के साथ साथ स्मार्ट सिटी में भी लाभ मिलेगा।